ओके, मार्वल्स की एक और फिल्म रिलीज हो चुकी है, द गार्डियन ऑफ गैलेक्सी 3। अब देखो ये वॉल्यूम 3 है और उम्मीद करा जा रहा है, उम्मीद क्या मैं बता रहा हूँ, ये इसकी लास्ट सीरीज है। और इधर मैं बात करूँ इसकी ड्यूरेशन की, तो 2 घंटा 30 मिनट की ये मूवी है, जिसके अंदर आपको हर एक वो चीज देखने के लिए मिलती है जो भैया आप थिएटर्स में देखना जाना चाहते हैं। और साथ ही साथ मार्वल्स की मूवी से ये एक्सपेक्टेशन तो आप बिल्कुल लगा सकते हैं। पहला पॉइंट है एक्शन, वो तो भैया सोचो ही मत, इतना कमाल का एक्शन होता है। इमोशनल इस फिल्म ने काफी अच्छा किया, लिटरली बहुत इंप्रेसिव इमोशनल सीन्स है इस फिल्म के अंदर। कॉमेडी इस फिल्म के अंदर उतनी ही है जितनी जरूरी होती है, कोई भी कॉमेडी भैया इतना एक्स्ट्रा नहीं लग रहा है कि भैया फोर्सफुली कॉमेडी की जाइए या फिर हंसाने की जबरदस्ती कोशिश की जा रही है। तो अब अगर मैं बात करूँ इस फिल्म के बारे में, तो देखो फिल्म की कहानी की अगर मैं बात करूँ बिना स्पॉयलर के, तो वो यही है कि गार्डियंस जो गार्डियंस के मेंबर्स हैं उनकी भैया जो जिंदगी है वो बढ़िया चल रही है, एकदम तंदुरुस्त है। सुबह उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सो जाते हैं, मजे कर रहे हैं। पर अगर किसी की ज़िंदगी में तकलीफ ना हो तो वो ज़िंदगी कैसी? तो भैया फिर आ जाते हैं हमारे विलन। अब देखो विलन की बात आ ही गई है तो मैं विलन के ऊपर भी थोड़ी सी टिप्पणियाँ कर दूँ कि विलन जिस तरह से गार्डियन ऑफ गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के अंदर दिखाया गया है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल नज़र आ रहा है। बट लगा मुझे लास्ट तक कि यार उस पावर्स को इतनी अच्छी तरीके से यूज़ नहीं किया गया। बट अगर मैं बात करूँ अब डायरेक्शन की, यही से लिंक आ गई है, तो देखो डायरेक्शन के मामले में आप ये नहीं कह सकते कि इस फिल्म में काम नहीं किया गया, काफ़ी अच्छा डायरेक्शन इस फिल्म के अंदर लगा है। जिस तरह से पास्ट और प्रेजेंट की चीजों को जोड़ा गया है ना भाई, माल का, मतलब ये जो नया कॉन्सेप्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की लिटरली मजा आ जाता है। ये कॉन्सेप्ट भाई जो ऐसे आपको प्रेजेंट में आते हो आपको अच्छे अच्छे सीन्स देखने के मिलते हैं, कॉमेडीज देखने के मिलती है, और जैसे ही पास्ट में जाते हो वैसे ही आप इमोशनल हो जाते हो। वाह यार, मतलब क्या एंगल जोड़ने की कोशिश की डायरेक्शन के लेवल में। तो डायरेक्शन भी इस फिल्म के अंदर काफ़ी अच्छी है, एक्टर्स ने एक्टिंग काफ़ी अच्छी की है, विलन ने काफ़ी अच्छा काम किया है। बट मुझे लगा डायरेक्शन के लेवल पर अगर इससे काफ़ी अच्छा और एक्शन सीन्स निकाले जाते और इसको पावरफुल दिखाया जाता, उसको प्रेजेंट किया जाता कि हाँ भैया इतनी पावर है इस विलन के पास, जो कि मुझे लगा कि मार्वल्स का काफ़ी बेहतरीन विलन्स में से नाम इनका शामिल हो जाता। बट हाँ, आने वाले टाइम पे हो सकता है ये देखने को मिले हमें अगली फिल्मों में, और उसमें शायद इसकी पावर्स को जो है काफ़ी अच्छे तरीके से एनहेंस किया जाए। अब देखो हिंदी में मैंने देखी तो डबिंग भी काफ़ी अच्छी मुझे नज़र आई, डबिंग में कोई भी दिक्कत नहीं हुई, जितने भी कॉमेडी सीन्स थे पंचेस थे काफ़ी अच्छे बैठ रहे थे, एक्टर्स ने एक्टिंग बढ़िया की है, डायरेक्शन का लेवल अच्छा है, VFX CGI पे डाउट कर नहीं सकते, एक्शन बहुत कमाल का है, और जितना भी बैकग्राउंड स्कोर था यानी कि BGMs हो गए भाई वो लेवल ही एडवांस है। मतलब मार्वल्स की फिल्मों में BGM तो अच्छे होते ही हैं। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं कि गार्डियन ऑफ गैलेक्सी आपको देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए, तो मुझे लगता है अगर आप मार्वल के फैन हो तो भैया तब तो आपको इस फिल्म को जरूर 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 देखना चाहिए, और अगर मार्वल के फैन नहीं भी हो तो मुझे लगता है कि आप इस फिल्म को थिएटर में जाके देख सकते हैं, क्योंकि एक अच्छी इमोशनल कॉमेडी एक्शन मूवी है जिसके अंदर आपको हर एक चीज बहुत परफेक्ट नजर आती है। तो ओवरऑल इस फिल्म को भैया मैं 5 में से 3.5 देना चाहूंगा, जो कि थोड़ी बहुत गलतियां हैं उसके कारण मैंने वो पॉइंट्स काटे हैं। तो ओवरऑल एक फिल्म को मुझे लगता है एक चांस तो मिलना चाहिए, और थिएटर्स के अंदर आप जाके इस फिल्म को एंजॉय कर सकते हैं अपने फैमिली के साथ भी, क्योंकि ऐसे कोई सीन्स खास नहीं है जो कि आपको फैमिली के साथ एकदम डिसअपॉइंट कर दे या फिर आपको शर्म होने पर मजबूर कर दे। तो ओवरऑल इस फिल्म को आपको देखना चाहिए। अब आप बताइए आपकी राय, अगर आपने फिल्म देखी है तो आपको ये मूवी कैसी लगी? मुझे तो काफ़ी पसंद आई। तो मिलते हैं आपको नए रिव्यू में, तब तक के लिए अगर रिव्यू पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।